जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और बिल के विरोध में डॉक्टर्स ने आज एक रैली का आयोजन किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से है, जयपुर में जहां पर सारे डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, डॉक्टरों की तरफ से ये शक्ति प्रदर्शन इस वक्त आप देख रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक रैली कर रहे थे, अपने शान सम्मान के लिए हमने एक जज्बा उठाया, हम शांति से काम कर रहे थे। पुलिस कर्मियों ने, मेल पुलिस कर्मी ने महिलाओं को धक्का मारा, ऐसी सम्मानजनक जगहों पे हाथ लगाया जहाँ पे उन्हें हाथ रहेगा लक्षित, हम पे लाठियां चली और एक भी महिला पुलिस कर्मी यहाँ पे नहीं थी। हम पूछना चाहते हैं ये क्या हो रहा है राजस्थान सरकार में, ये क्या हो रहा है, ये घोर अन्याय है डॉक्टरों के साथ, ये क्या हो रहा है इतना अपमानजनक। हमें बड़ी शर्म के नाम कह रहे हैं कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। मेरा नाम डॉक्टर अनीता बडानिया। हम सब झुंझुनू से आए और हमारे यहाँ ऊपर लाठी से हमें मारा गया, हम यहाँ शांति से प्रदर्शन करने आए, कोई फीमेल कांस्टेबल यहाँ नहीं है, कहाँ इनका कानून, क्या कहता है कानून यहाँ पे। हम राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ, राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, शांतिपूर्वक आगे रैली कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने हम पे लाठीचार्ज करा है, हमारे साथियों के फीमेल के ऊपर लाठीचार्ज करा है। महिला पुलिस, महिला पुलिस नहीं है और महिलाओं पर लाठीचार्ज करी गई है। तो सुना आपने किस तरह से पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया उसका विरोध हो रहा है, बेहद आक्रोशित है डॉक्टर्स। महिला डॉक्टर्स ने खासतौर पर कहा कि एक भी महिला कांस्टेबल नहीं है, हम यहाँ पर अपना विरोध कर रहे थे, तमाम दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर डॉक्टर्स आए हैं इसका विरोध करने के लिए, और ऐसे में उनका यहाँ पर जुटना, शांतिपूर्वक उनका प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन किस तरह से उन पर लाठी डंडों से हमला किया गया, देखिए कैसे चोटिल हुए हैं डॉक्टर्स। महिला डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं जिन्हें काफी चोट आई है। तो राइट करें हेल्थ बिल, तो राजस्थान सरकार ने ये राइट टू हेल्थ बिल लागू करने के लिए मसौदा भी पूरा तैयार किया, और बिल के लागू होते ही मरीजों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य भी बन जाएगा। कई सारे इसके फायदे भी हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। पहले भी जब विधानसभा में इस बिल को रखा गया था तो ऑपोजिशन की तरफ से यहाँ सवाल खड़े किए गए थे, और एक बार फिर से राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के इस फैसले के विरोध में सड़क पर डॉक्टर उतरे हुए हैं। प्रदेश के 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार देने का ऐलान किया गया था इस बिल के तहत, और इसी के लिए राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में इसी सत्र में पास कराने की सरकार की मंशा भी थी, पूरी कोशिश की गई थी। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर में डॉक्टरों का प्रोटेस्ट, किस तरीके से पुलिस भी भिड़ते नजर आए, लाठियां भी इन पे बरसाई गई क्योंकि प्रदर्शन ज्यादा उग्र हो गया था। महिलाएं जो डॉक्टर्स यहां पर हैं वो चोट दिखाती हुई नजर आई, चोट के निशान की, कैसे पुलिस की तरफ से इन पर लाठियां भांजी गई है। अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहा है, पुलिस ने डॉक्टरों पर लाठी चार्ज किया उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जिससे महिला डॉक्टर्स जो हैं खासी नाराज, क्योंकि यहां पर कोई महिला पुलिसकर्मी तैनात नहीं इनसे बातचीत करने के लिए। ये तस्वीरें